जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में हुई खाद व्यापारी की हत्या का खुलासा। दो आरोपी गिरफ्तार, तीन के तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, दो बदमाश और एक सिपाही घायल। खाद व्यापारी के साथ हुई लूट और हत्या में थे शामिल। संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में आज हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 30 जुलाई को खाद व्यापारी के साथ लूट के बाद हुई हत्या के मामले में आज पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। उक्त मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से लूटा गया बैग सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। वांछित बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए कई टीम बनाई गई है। SP यमुना प्रसाद ने आज चंदोसी कोतवाली में खुलासा करते हुए बताया कि आज सुबह चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के केथल गांव के बुधनगर मार्ग पर हमें बदमाश होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस से हुई मुठभेड़ में संतोष मोर्रे व महेंद्र लोधी गिरफ्तार किया। इन्होंने पूछने पर बताया कि खाद व्यापारी राम अवतार दीक्षित की दुकान के पास जितेंद्र यादव की स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। उसने हमें बताया कि उसकी रोज 4-5 लाख की बिक्री होती है। उसके कहने पर ही हम लोगों ने घटना को अंजाम दिया। पहले हमने उक्त व्यापारी की 4-5 दिन रेकी की, उसके बाद हमने घटना को अंजाम दिया। इन अपराधियों पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उक्त मामले में शेष 3 अभियुक्त जितेंद्र यादव, भूप सिंह व नीरज यादव वांछित है। टीम बनाकर जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उक्त बदमाशों के पास से लूटा हुआ थैला, POS मशीन, बिल बुक, स्टॉक रजिस्टर व 2 तमंचे बरामद किए। उक्त मुठभेड़ में रोहित वर्मा नाम का सिपाही घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करके निकले तो इसने जितेंद्र यादव ने अपने साथी भूप सिंह यादव को इशारा किया कि ये लोग अब यहाँ से दुकान बंद करके निकल लिए हैं। उसके बाद 2 गाड़ियों से, जिसमें एक संतोष मौर्या चला रहा था और उसके पीछे भूप सिंह यादव बैठा था, दूसरी गाड़ी नीरज यादव चला रहा था जिसके पीछे महेंद्र बैठा हुआ था, ये दोनों गाड़ी से पीछा करना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद रास्ते में, चूंकि 7-8 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, बीच में ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता है, वो उस समय एक निश्चित स्थान आरी का पुल पड़ता है, उसको क्रॉस करते ही इन लोगों ने ओवरटेक करके गाड़ी रोक दी। जो संतोष मौर्या गाड़ी चला रहा था, HF डीलक्स मोटरसाइकिल पे सवार था वो, उसने आ करके विशाल के गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा करके उसकी गाड़ी रोक दी और उसकी चाबी निकाल लिया। उसके बाद उसी के साथ भूप सिंह यादव बैठा हुआ था, जिसने विशाल से उसका बैग छीन लिया। बैग छीनने के बाद जो भूप सिंह और दूसरी गाड़ी से जो महेंद्र सवार था, इसके पास तमंचे थे, ये लोग वादी को लगातार फायर करने लगे, वहाँ पे खड़े होकर के फायर करने लगे, जिसमें जो मृतक हैं राम अवतार जी, उन्होंने एक जो ये तमंचा लिए हुए था उसको पकड़ लिया और इस उसमें बचाव में कि हम बच जाएंगे इसे, तमंचा पकड़ करके किनारे करने लगे। इसी छीना झपटी में गोली उनके सीधे सीने में लगी और जो वो उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। उसको महेंद्र गोली चला रहा था उनके ऊपर और भूप सिंह चला रहा था विशाल जो लड़का है उसके ऊपर, ये दोनों मिलकर के गोली चला रहे थे। और गाड़ी जो है, पहली गाड़ी संतोष मौर्या चला रहा था और दूसरी गाड़ी नीरज यादव चला रहा था। इस तरीके से इन चारों लोगों ने घटना की और वहाँ पे उसको गोली मारने के बाद और बैग छीनने के बाद वहाँ से तत्काल ये दो गाड़ी से फरार हो गए। उसके बाद सभी को टीमें बनाई गई थी इनको गिरफ्तारी के लिए, लगातार अभियान चल रहा था। इसमें 2 लोगों की अभी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई है। ये जो अपराधी हैं, जो इसमें चारों अपराधी प्रकाश में आए थे, उनकी आपराधिक स्थिति यह है कि हर किसी के ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इसमें जो भूप सिंह यादव है उसके ऊपर 18 मुकदमे हैं, लगातार ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अभी ये वांछित है। और इसके बाद संतोष मौर्या के भी लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं, इसमें नीरज यादव के ऊपर भी अपराध मुकदमे हैं, जितेंद्र यादव है और ये महेंद्र, इन सभी पे आपराधिक इतिहास है। हम लोग जब ट्रैक कर रहे थे तो इसी क्रम में ये इनके कुछ CCTV फुटेज भी मिले थे, जिसको हम लोगों ने ट्रैक किया था। लगातार क्षेत्र में ये लोग उस रास्ते से रेकी कर रहे थे और आते जाते रहते थे, इसको CCTV के माध्यम से भी रेकी की गई, पुष्टि हुई। और उसके बाद हम मैनुअल सर्विलांस और जो हमारा इंटेलिजेंस सर्विलांस है, उन सभी को लगा करके इस घटना का अनावरण किया गया है। 2 अपराधी अभी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। जो बैग था वो बैग बरामद हुआ है और जो मोटरसाइकिल थी HF डीलक्स मोटरसाइकिल वो बरामद हुई है। बैग में रखा हुआ सामान, जो पॉस मशीन थी, ओरिजिनल कागजात थे, कैश बुक था, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। और इनके पास से, अपराधियों के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है, 315 बोर के तमंचे, जिससे इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया।
वो सब गिरफ्तार हुए हैं। लगातार ये क्षेत्र में अपराध कर रहे थे। इसमें मुख्य रूप से जो कॉन्स्पिरेटर है वो जितेंद्र यादव है, वो इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। अपने ही सामने रहने वाले एक व्यवसायी के साथ प्रतिद्वंदिता करते हुए उसने ये घटना को अंजाम दिलाया है और अभी दो इसमें अपराधी संतोष मौर्य और महेंद्र पकड़े गए हैं। बाकी के अपराधियों के लिए टीम गठित की गई है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रोत्साहन हेतु एडीजी महोदय द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम टीम को दिया जा रहा है। एक जितेंद्र यादव है जो मेन कॉन्स्पिरेटर है इसका, वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो, और उसके साथ दो व्यक्ति और हैं, नीरज यादव और भूप सिंह यादव, ये दोनों भी उसके साथी हैं जो अभी फरार हैं, जिसके लिए हमारी टीम में लगातार दबिश में लगी हुई। घायल सिपाही हमारा है रोहित वर्मा, कांस्टेबल हमारा रोहित वर्मा घायल है और हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में सभी बदमाशों को हॉस्पिटल भेजा गया है और जो हमारा कांस्टेबल है वो भी हॉस्पिटल।